देखिए आपको पता ही है कि कल से मैं उन सब कार्यक्रम में आया हूँ करनाल में। पहला कार्यक्रम कल रात्रि को हमारी पार्टी की मीटिंग थी, कोर ग्रुप की, रात को आपसे बात हो गई थी। प्रातःकाल राहगिरी का कार्यक्रम था करनाल में। पिछले कोविड केस से पहले राहगिरी चलती थी, कोविड के कारण से कार्यक्रम शिथिल हो गया था और दोबारा से उसको शुरू किया। बहुत उत्साह था लोगों में। और उसके बाद दो गाँव में मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में सुना भी है, अपनी बात भी बताई है, अपने जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी रखी हैं। हम उन सब डिमांड्स को एक एक को उसको पढ़ करके जो भी काम उनके होने वाले हैं सब काम किस तरीके की बड़ी डिमांड सर कोई हर प्रकार की है। कहीं कोई खेलों के लिए है, एक जगह धर्मशाला की डिमांड आई थी, वो भी हमने उनको कहा कि आपकी ज़मीन है तो आपको धर्मशाला के लिए अनुदान जो है वो भी देंगे। कहीं तालाब को साफ करने की बात आई है। यहाँ जैसे एक स्कूल यहाँ पर है, उसको सरस्वती मॉडल स्कूल बनाने की मैंने घोषणा भी कर दी है। उसकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को भी रिनोवेट करना है, पुरानी हो गई है, उसको नया बनवाया जाएगा। ऐसे एक रास्ता है यहाँ से काछवा का रास्ता, नहर के माइनर के साथ साथ बना हुआ है, वो हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया कि उसका रास्ता बनवा देंगे। ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्री डिमांड्स हैं, उन सबको हम करवाएंगे। सर, UCC को लेकर आपकी क्या राय है, हरियाणा की क्या राय है? हमने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस बात की ताकीद करता हूँ कि UCC लागू होना चाहिए। नए सीजन की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के साथ संवाद करते हैं तो नया सीजन कौन सा शुरू होने वाला है, क्या रहेगा उस सीजन? आपको भी पता, मुझे भी पता है। ये सीजन जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है वो 3-3.5 साल के बाद वो सीजन जो आता है वो आपको पता है। उसमें सभी पार्टियों के लोग बाहर निकल करके आएंगे, हमने अपनी बात जो कही है वो कहेंगे। बाकी लोगों को अनाप शनाप जो करना है, जो पहले सत्ता में रहे वो भी आज पता नहीं समझवा दिखाएंगे। जो आसपास के प्रांतों में जो कुछ कर रहे हैं उनका जमीन पर कितना असर और कैसे लोग परेशान होते हैं वो जनता को आज भी पता है। मुफ्त की जो चीज़ें घोषणा कर करके और लोगों के एक प्रकार से वोट को खरीदने की बात वो करते हैं, तो इस प्रकार का जनता की जमीर बहुत मजबूत होती है, जमीर पक्की होती है, वो ऐसे किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। जनता सच को सच, गलत को गलत, जींद में नव संकल्प रैली हो रही है सर, आज JJP की हो रही है, तो सब करते ही है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबको करने चाहिए। चलाया जा रहा है जो यमुनानगर में हरियाणा से सिपचारगंज में। देखिए ये विषय राष्ट्रीय नीति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रीय नीति आज से नहीं, बहुत पहले से है कि जितने भी नए प्लांट्स हैं वो पिट हेड पर बनाए जाएं, ताकि रेलवे का जो कोयले की जो लोडिंग अनलोडिंग खर्चे टैरिफ ये बचता है। और उसके लिए बहुत से प्रांतों को वहाँ पर माइंस अलॉट भी की गई हैं, पिट्स अलॉट की गई हैं। हमारे यहाँ की जो पिटें अलॉट की गई थी वो नेचुरलाइट एरिया था, वहाँ पर काम शुरू हो नहीं पाया। लेकिन हमारा जो विषय अलग है, यमुनानगर में जो बना रहे हैं ये कोई नई एडिशन की बजाय जो पानीपत के कुछ ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स जो टाइम पीरियड उनका समाप्त हो रहा है, उनकी सबकी एज होती है, तो जैसा 2026-2027 में कुछ समाप्त होंगे उसकी जगह पर नए जो थर्मल प्लांट हैं वो लगाने की योजना है। हमारे पास यमुनानगर में जगह भी है, हमारे पास सब है, लेकिन फिर भी ये क्लियरेंस जो है CRC देती है। CRC जैसा क्लियरेंस देगी, अगर हमको क्लियरेंस मिल गया यहाँ लगाने का तो यहीं लगाएंगे, और उन्होंने क्लियरेंस अगर नहीं दी क्योंकि पर्यावरण का मामला भी है, टैरिफ का मामला है, रेलवे के मामले हैं, आखिर बिजली हमको चाहिए, बिजली तो कहीं से भी देश से आ सकती है, उसमें उतना खर्च नहीं आता जितना रेलवे के टैरिफ के अपना कोयले के टैरिफ के कारण से उसका खर्चा बढ़ता है। तो सस्ती बिजली अगर लेनी है तो पिट हेड पर रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ लगाने के अपने हेतु हैं, यहाँ उसका अपना लाभ है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ के हमारे पास पैसा जो है ज़मीन पर भी नहीं लगेगा, वहाँ शायद ज़मीन भी खरीदनी पड़ेगी। वैसे कुल मिलाकर के CRC के साथ प्लस माइनस करके जो निर्णय आएगा प्रगति को लेकर मामला सामने आया था। मैंने भी सुना है जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कह रही है सर 90 विधानसभा में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे, 500 भी करें तो भी हमको क्या करा जाए।